नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। साथियों, अगर आप लोग यूपी पुलिस में भर्ती पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको संपूर्ण तरीके से यू पुलिस एग्जाम 2023 की तैयारी कराई जा रही है, जिसके साथ आप यू पुलिस में पहली बार की तैयारी में ही आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको लगातार GK GS हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं से हर एक विद्यार्थी अच्छा स्कोर करना चाहता है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग सॉरी मैथ और रीजनिंग तो सब कर लेते हैं, जबकि GS और हिंदी में सब लोग पिछड़ जाते हैं। इसी के लिए मैं अपने चैनल पर लगातार आपको इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आप सभी लोग हमारे साथी जितने भी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उन्हें कर लेते हैं, तो निश्चित है आपका यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में 37 में से आपको कम से कम 25 प्रश्न करना अनिवार्य है। 25 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन सा है तरंग शब्द का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो तरंग का पर्यायवाची है उर्मी। कौन सा है? उर्मी है तरंग का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन सा है जंगल शब्द का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची है कांतार। कौन सा है? कांतार है जंगल शब्द का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि उपकार शब्द का विलोम है, तो कौन सा है उपकार शब्द का विलोम शब्द, तो इसका विलोम शब्द अपकार। कौन सा है? अपकार है उपकार का विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम है, तो कौन सा है तिमिर शब्द का विलोम शब्द, तिमिर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। कौन सा? आलोक हो जाएगा तिमिर का विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक मनही के दुई बेटवा रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा धन माँ जवान हमार हिस्सा लागत होए तबन हमका दे दो। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो कौन सी बोली में है ये अवतरण? तो ये है हिंदी की एक भोजपुरी बोली में। किस में? भोजपुरी बोली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं ए आय वर्ण? तो ये कहलाते हैं कंठ तालब। क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालब कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि इस अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो ये हैं कौन सा जिसमें पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो जाए, तो अच्छी परिसर। कौन सी? अच्छी परिसर ये स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि आधार शब्द में विशेषण बनेगा, तो कौन सा बन जाएगा आधार शब्द में विशेषण, तो इसका विशेषण बनेगा आदरणीय। कौन सा? आदरणीय बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीड़ित शब्द क्या है, तो क्या है पीड़ित शब्द ये आपको बताना है। तो पीड़ित शब्द है एक विशेषण। कौन सा है? ये एक विशेषण है पीड़ित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से रूण शब्द कौन सा है, तो कौन सा है रूण शब्द ये आपको बताना है। तो रूण शब्द है वैभव। कौन सा? वैभव है रूण शब्द, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है, तो किनका अर्थ है तिरछी नज़र तथा आक्षेप, तो किसका है? तो इसमें जो कटाक्ष है इसका अर्थ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, बताना है आपको इनमें से किसकी
बर्तनी शुद्ध लिखी है, पूजनीय कौन तरीके से सही लिखा जाया था, तो पूजनीय लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग, किसके ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा पूजनीय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो किसमें जिजीबीसा सही लिखा गया, तो किसमें लिखा गया, तो ये लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, किसमें ऑप्शन नंबर ए में जिजीबीसा सही लिखा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माँ शब्द का तत्सम रूप है, तो कौन सा है माँ शब्द का तत्सम रूप, तो माँ का तत्सम रूप हो जाएगा मात्र, कौन सा मात्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मंथर, कौन सा मंथर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम सामने करने पड़ रहा होगा क्योंकि दो पीडीएफ थोड़ी ब्लर लग रही है, माफ़ी चाहता हूँ, आगे से आपको ये पीडीएफ ब्लर नहीं मिलेगी, आज आप कैसे भी कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा विवेक, क्या विवेकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं, तो इस वाक्य में एक शब्द क्या कह सकते हैं कि जो अपने कर्तव्य को निश्चय ना कर सकते, तो उसे कहते हैं किंकर्त विमूढ़, क्या किंकर्त विमूढ़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्या है रौद्र रस का स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव है क्रोध, कौन सा है क्रोध है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन करें, तो आपको बताने के इनमें से कौन सा रस है, करी चिक्कार घोर अति धाबा बंदनु पारिस गगन सिद्ध सुर त्रासिद हाहा हेति पुकार, तो कौन सा रस इसमें ये आपको बताना है, तो इसमें रस है भयानक रस, कौन सा है भयानक रस है, ऑप्शन नंबर सी सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25-26 में आपको पद्यांशों को पढ़कर सही छंद बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, तो पढ़ते हैं 25 क्वेश्चन में कि पल पल जिसकी मैं पत को देखती थी निसी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, तो इसमें कौन सा रस है सॉरी कौन सा छंद बताना है, सॉरी माफ चाहता हूँ गलत बोल गया, छंद बताना है कि इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें छंद है मनलिनी छंद, कौन सा मनलिनी छंद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज जो दायक फल चार वर्णों रघुवर विमल जस, तो इसमें कौन सा छंद है, तो ये है एक सोरठा, कौन सा ये सोरठा छंद है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27-28 निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए, तो आपको बताना है 27 और 28 में कौन सा अलंकार है, तो पढ़ते हैं अति मलिन ब्रज भानु कुमारी अधमुख रहत उरद नहीं चित्तवत ज्यो गत हारे थाकित ज्वारी छूटे चिकुर बदन कुमलानो ज्यो नलनी हिस्कर की मारी, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार है उपमा अलंकार, कौन सा उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरिवर बहुछाई, तो कौन सा अलंकार है, तो ये बहुत फेमस उदाहरण है इसका, तो आपको सबको आंसर पता ही होगा, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, कौन सा अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 और 31 की जो क्वेश्चन है उनमें से आपको रचना दिएगा, उनके रचयिताओं के नाम को बताना है, तो साहित्य लहरी इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं साहित्य लहरी के सूरदास, कौन से सूरदास हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुव स्वामी के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, कौन से हैं जयशंकर प्रसाद हैं ध्रुव स्वामी के रचनाकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रानी केतकी की कहानी, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। कौन से हैं? ईसा अल्लाह खां हैं रानी केतकी कहानी के रचनाकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पौ बारह होना, तो इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक लाभ लेना। क्या? अत्यधिक लाभ लेना। पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को, तो ऐसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या है? आग में घी डालना, तो इस मुहावरे का सही अर्थ है क्रोधी को और अत्यधिक उत्तेजित करना। क्या? क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए, तो आपको बताना है कि चारों विकल्पों में से कौन सा सही लिखा गया है। तो ये एक पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद तीन आपको अलग दिख जाएंगे, तो अब बताना है इसी में से तीन में से वो राइट आंसर है कौन सा राइट आंसर है। तो हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो बताने कि इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36 में, तो ये सही शुद्ध है, तुलसी की कविता में मधुरता है। क्या? तुलसी की कविता में मधुरता है, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानी, तो बताना आपको क्वेश्चन नंबर 37 में से कौन सा अशुद्ध वाक्य, क्योंकि तीन वो वाक्य हैं वो शुद्ध हैं जबकि चौथा वो वाक्य है वो अशुद्ध है। तो तुम्हें तो अपना काम करो, ये एक अशुद्ध वाक्य है क्योंकि तुम्हें अपना काम करना चाहिए होना चाहिए था ऑप्शन नंबर, तब सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ये सी है जो अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी। 38 से 40, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटि और कुछ ठीक है। वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए बी सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं के रूप में चिन्हित कीजिए। किसमें? 38 से 40, तीनों में बताना है आपको। आखिरकार स्वच्छता और व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करने की ज्वाला किसमें नहीं होती? कोई त्रुटि नहीं है, तो किसमें त्रुटि है आपको ये बताना है, किसमें त्रुटि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका राइट आंसर जो सी है, ज्वाला किसमें नहीं होती है, ये त्रुटि है, क्योंकि ज्वाला में सम में निहित होना चाहिए था, तब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो त्रुटि है। मैच प्रारब्ध होने के 10 मिनट बाद बहुत जोर की वर्षा हुई, तो ये जो प्रारब्ध यानी प्रारंभ होना चाहिए था, ये तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की, कोई त्रुटि नहीं है, तो किसमें त्रुटि नहीं है? तो यहाँ पर होना चाहिए थे मुकदमा दर्ज होने के बाद, दर्ज होने के बाद होता तो इसका राइट आंसर तभी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे इन प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जैन मेरे प्यारे साथियों।